नमस्कार साथियों, आज का वीडियो जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट नॉलेज है उसी का पार्ट है। दोस्तों, एक काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि यह दूसरा ऐसा वीडियो है जिसमें मैंने शर्ट को पहना हुआ है। दोस्तों, ये तो बात हो गई मजाक की, अब थोड़ी सी सीरियस बात करते हैं। एक न्यूज का आर्टिकल देखो आप लोग, यहाँ पे तकरीबन 130 मिलियन मतलब 13 करोड़ लोगों की जॉब जा चुकी है कोरोना वायरस के कारण। मैं इससे पहले भी काफी बार बता चुका हूं, जिसमें से तकरीबन 40% लोग ऐसे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट मैनपावर वाले हैं। दोस्तों, इस न्यूज को पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ गया कि आखिर किसी आदमी या किसी औरत की कंपिटेंसी को कैसे मापा जा सकता है, मतलब उनकी योग्यता या फिर वो कितने सक्षम है किसी चीज को करने के लिए। तो इसमें दो वर्ड आते हैं, पहला वर्ड आता है नॉलेज, दूसरा आता है स्किल, मतलब ज्ञान और कौशल। तो ये वीडियो उसी पे बेस होने वाला है। हम ज्ञान और कौशल के बारे में जानेंगे, ये क्या होते हैं, क्या इनमें डिफरेंस है, आप ज्ञान कहां से ले सकते हैं और कौशल कहां से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ एग्जांपल से सारी बातें समझेंगे, आइए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों, दोनों की डेफिनेशन से पहले एक छोटा सा डाटा देखते हैं। यहां पे इंडिया स्किल रिपोर्ट 2020, यहाँ पे जो एंड में परसेंटेज देख रहे हैं आप, उससे हमें यह पता चलता है कि कितने परसेंट लोग ऐसे हैं जो जॉब के लायक हैं किसी भी प्रकार का जो एजुकेशनल आप लोगों का डिग्री या डिप्लोमा प्रोग्राम उसके बाद। यहाँ पे आप देखेंगे सबसे बुरी हालत है एमसीए की, मतलब केवल 25% लोग ऐसे हैं अगर उन्हें भेज दिया जाए तो ही उन्हें जॉब मिल पाएगी एमसीए करने के बाद। कितनी बुरी हालत है ये। और अगर सबसे बड़ी आंकड़े की बात करें तो वह एमबीए का 54%। मैं फिर भी इसे बढ़िया नहीं मानता हूं, एमबीए जैसी डिग्री लेने के बाद हमारे पास केवल 54% लोग ऐसे हैं जिन्हें जॉब मिल सकती है। दोस्तों, तो हमें थोड़ा स्किल और नॉलेज दोनों पे ध्यान देने की जरूरत है, आगे आप लोगों को पता चलेगा इन दोनों में क्या इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों, इन दोनों की डेफिनेशन के बारे में जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं नॉलेज और स्किल की डेफिनेशन के बारे में। बहुत सारी परिभाषाएं हैं, मैंने यहां पे एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखी है इंग्लिश में, आप लोग उसको पढ़ सकते हैं। मैं इसी को हिंदी भाषा में या फिर आसान भाषा में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं नॉलेज की, यानी कि ज्ञान की। मतलब यह है किसी भी सब्जेक्ट यानी कि विषय के बारे में आप लोगों को कितनी सूचना प्राप्त है, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में आप लोगों को कितना पता है। पता कैसे करेंगे, किसी भी स्कूल से, किसी भी बुक से, इंटरनेट से या किसी भी मीडियम से आप उसके बारे में पता कर सकते हैं। यहां पे बात हो गई नॉलेज की यानी कि ज्ञान की। दोस्तों, अब स्किल के बारे में क्या डिफरेंस है। जितनी भी सूचना या जितना भी कॉन्सेप्ट आप लोगों को उस सब्जेक्ट उस विषय के बारे में है उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करना, उसे बोलते हैं स्किल यानी कि कौशल। दोस्तों, ये तो बात हो गई डेफिनेशन की, आगे हम और आसान भाषा में समझेंगे, कुछ एग्जांपल के जरिए आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, नॉलेज और स्किल की डेफिनेशन आप लोगों ने समझ ली, उनकी परिभाषा आप लोगों ने समझ ली, अब उन्हें कहां से प्राप्त किया जा सकता है और कुछ एग्जाम्पल से आप लोगों को और अच्छे तरीके से समझाता हूं। नॉलेज के बारे में बता चुका हूं, आप लोग किसी भी मीडियम से प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो स्कूल हो या फिर कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो, कोई वेबसाइट हो या फिर कोई भी बुक हो। अगर आप लोगों को लगता है कि नॉलेज सिर्फ स्कूल या यूनिवर्सिटीज में मिल सकती है तो ऐसा गलत है। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं इलोन मस्क का, उन्होंने कोई रॉकेट साइंस में इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं की है, लेकिन फिर भी उन्होंने इस क्षेत्र में तहलका मचा दिया है। तो दोस्तों, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ही एकमात्र मीडियम नहीं है नॉलेज का, इस बात को नोट कर लीजिए, आप किसी भी मीडियम से सीख सकते हैं नॉलेज को। अब बात करते हैं स्किल की, यानी कि कौशल को आप कहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो कुछ केसेस में तो दोस्तों ये बाय बर्थ होता है। कैसे, अगर आप कोई फेमस सिंगर है, अगर आपके घर में कोई बेबी होता है तो बाय बर्थ कुछ केसेस में उसकी आवाज काफी अच्छी होगी, उसमें ऑलरेडी वो स्किल होगी। लेकिन दोस्तों, अगर स्किल का दूसरे वे में बात करें तो यह सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आ सकता है। हिट एंड ट्रायल मेथड की अगर हम बात कर सकते हैं, आप लोगों को कोशिश करनी ही होगी। एग्जाम्पल से समझाता हूं आप लोगों को। आप लोगों ने फुटबॉल के बारे में पूरा पढ़ लिया, कितने खिलाड़ी होते हैं, कितना लंबा चौड़ा मैदान होता है, कितने उसमें कोच होते हैं, कैसे उसमें गोल किया जा सकता है, ये तो बात हो गई उसकी नॉलेज की। लेकिन जब तक आप फुटबॉल के मैदान में जाएंगे नहीं, खेलेंगे नहीं, गलतियां करेंगे नहीं और उन गलतियों से सीखेंगे नहीं, तो भी आप उस चीज में स्किल नहीं प्राप्त कर सकते, मतलब आप उस चीज में कौशल नहीं हो सकते। इस एग्जाम्पल से मुझे लगता है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि स्किल आप कहां से प्राप्त कर सकते हैं। अगर मैं आप लोगों को मेरा एग्जाम्पल दूं, अगर आप मेरी पहली वीडियो देखेंगे, मुझे ढंग से कैमरा फेस करना नहीं आता था, लेकिन आज की वीडियो में शायद मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हूं और जितना मैं प्रैक्टिस करूंगा
इस मामले में मेरी स्किल और बढ़ती चली जाएगी। तो आप लोगों को एक क्लियर हो जाना चाहिए कि केवल और केवल प्रैक्टिस ही है एक ढंग से आप लोगों को कोई भी स्किल सीखनी है। तो दोस्तों अब ये आप लोगों के ऊपर है कि आप या तो सारा दिन गेम खेलते रहें या फिर सारा दिन भर एंटरटेनमेंट वाली वीडियो देखते रहें, या फिर आप उनका टाइम कम करें और एक अच्छे से स्किल सीखने में उस टाइम को यूटिलाइज करें ताकि आगे जाके आप लोगों को उसका फायदा हो। दोस्तों अब बात करेंगे स्किल और जो नॉलेज है उसमें से इंपोर्टेंस क्या है। अगर नॉलेज और स्किल में इंपोर्टेंस की बात करें तो काफी लोगों को कंफ्यूजन, कुछ लोग नॉलेज को इंपोर्टेंस देते हैं, कुछ लोग स्किल को। अब ये आपके ऊपर है कि आप किसको इंपोर्टेंस देना चाहते हैं। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों को बता रहा हूं। मेरी नजर में अगर स्किल के साथ नॉलेज मिल जाए तो काफी तगड़ा चमत्कार हो सकता है। कैसे? आप लोग एक मोटर मैकेनिक है काफी फेमस, आप लोग गाड़ी को देख के बता देते हैं कि इसमें ये फॉल्ट है, यहां से इसका पार्ट चेंज करना पड़ेगा। आपकी काफी तगड़ी स्किल है, लेकिन क्या आपको लगता है कि उस स्किल के जरिए आप अपने बिजनेस को काफी ऊपर तक ले जा सकते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप एक सर्टेन लेवल तक ही उस स्किल का फायदा उठा सकते हैं दोस्तों। लेकिन अगर इस स्किल के साथ आप लोगों को नॉलेज भी मिल जाए तो आप लोग अपने बिजनेस को काफी ऊपर ले जा सकते हैं। कहने का मतलब यह है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने नॉलेज गेन कर लिया, आपने डिग्री ले ली और स्किल नहीं है तो भी उसका कोई फायदा नहीं, और आपने अगर स्किल ले ली और नॉलेज नहीं ली तो भी उसका कोई फायदा नहीं। ये बिल्कुल इक्विवेलेंट है। अगर दोनों साथ में हैं तो सोने पे सुहागा और एक तगड़ा चमत्कार हो सकता है। तो दोस्तों मुझे लगता है इस छोटे सी वीडियो में आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि स्किल और जो नॉलेज है उसका क्या डिफरेंस है, उन दोनों की डेफिनेशन क्या है और कहां से आप उन्हें प्राप्त कर सकते हैं, और आपकी नजर में उनका इंपोर्टेंस क्या है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दोस्तों आप लोगों ने अगर लास्ट वाला वीडियो देखा होगा तो मेरे जुड़वा भाई से मिले होंगे, तो उसने एक छोटा सा वीडियो बनाया है स्किल के ऊपर। अब मैं वो वीडियो प्ले कर दूंगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ओके दोस्तों, राम राम सबने। नीचे भाई स्किल के ऊपर वीडियो बनाने लग रहा था तो मैंने सोची छत पर बैठ कर स्किल दिखा देता हूँ तुम सबने डायरेक्ट। स्किल की है छतरी है मेरे पास, इसने जैसे ऊपर करूँ बारिश चालू हो जाए, वैसे एक नंबर की स्किल है। नीचे रखते हैं बारिश बंद, है ना एक नंबर का स्किल। तो क्या करना था नहीं, आगे ऐसी और स्किल देखनी है मेरे दौर है तो भाई के चैनल सब्सक्राइब कर लो। अलग तक कोई चैनल नहीं आओगा, भाईचारा भी की मैं चीज़ हुआ कर है, ये जुड़वा होना कुछ तो फायदा हो, उसके कपड़े पहने हैं तो इससे अपनी वीडियो भी डाल दिया करेंगे। चलो एक स्किल और दिखा देता हूँ, चुटकी बजा के बारिश चालू, है ना बढ़िया सिस्टम। इब क्या करेंगे, इस बारिश ने तुम्हारी तरफ भेज के दिखाऊंगा, ये देखो रोक दी बारिश और ये लो बारिश चल जाए, ये चालू। तो ठीक है, इस तरह एक स्किल और देखनी हो आगे, चैनल जो अपना भाई आड़ा उसने सब्सक्राइब कर लो। अरे ये थोड़ी बहुत बाहर की आवाज़ आ रही होंगी, इसने कर दो इग्नोर और वीडियो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल ने और अपने यार दोस्त ने भेज दो। ठीक है, फिर मिलेंगे जल्दी अगली वीडियो में। धन्यवाद।